अस्सलाम वालेकुम, सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू को मालूम कर सकते हैं क्वार्टरली। तो दोस्तों इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर वर्ल्ड का एक्सपोर्ट डेटा है, और जिसमें डेट, इनवाइस, कस्टमर डिस्क्रिप्शन, कंट्री, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टर्म और ड्यू डेट दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या है टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू मालूम करनी है क्वार्टरली। तो दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप ये काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी आपका डेटा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास पूरे साल का डेटा है तो मैंने ये पूरे साल के डेटा को सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले। उसके बाद आपने आना है इंसर्ट पर। इंसर्ट पर आने के बाद आपने आना है पीवट टेबल पर। पीवट टेबल पर न्यू वर्कशीट पर मैं बनाना चाह रहा हूँ, ओके पर क्लिक कर दिया। अब हमें करना क्या है कि हम डेट को ड्रैग कर कर रोज़ पर ले आएंगे, तो जिससे क्या होगा कि थवाइज हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो अमाउंट है यानी कि एक्सपोर्ट वैल्यू है वो हम ड्रैग कर कर सम वैल्यूज़ पर ले आएंगे। तो इसने यानी कि जनवरी में टोटल जो एक्सपोर्ट हुई है वो 77,000 की है, फेब में 37,000 की है और मार्च में 54,000 की है, और सो ऑन। इस तरह दिसंबर तक उसने टोटल सेल्स लिया है। तो हमें क्या है इसको क्वार्टरली चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे इस पर, मंथ पर जैन या फेब या मार्च कहीं भी आप राइट क्लिक कर दे, और उसके बाद ग्रुप पर आ जाइए और यहाँ आपने दोनों को डेज़ और मंथ को हटाना है और क्वार्टर्स को क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना। तो इस तरह आपके पास टोटल जो एक्सपोर्ट वैल्यू है क्वार्टरली आ गई। ये आप देख रहे हैं कि 1,68,000 जो है वो जैन टू मार्च टोटल एक्सपोर्ट हुई, और अप्रैल टू जून 1,60,000, और जुलाई टू सितंबर 2,77,500, और अक्टूबर टू दिसंबर 2,66,000 की टोटल एक्सपोर्ट हुई। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्वार्टरली सेल्स को जान सकते हैं। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो मैंने सिर्फ पिवट चार्ट पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्वार्टरली हमें क्या है एक ग्राफिकल चार्ट बना देगा, जिससे हमें बहुत ही आसानी से अंदाज़ा होगा कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या सेल्स थी, सेकंड क्वार्टर में क्या थी, थर्ड क्वार्टर में सेल्स हमारी बढ़ी और उसके बाद फोर्थ क्वार्टर में सेल्स थोड़ा सा कम हुई। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वार्टरली बेस सेल्स हमारी क्या हुई। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।